अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये एक और वीकेंड का व्लॉग है। लास्ट व्लॉग जो अपलोड किया था वो लास्ट वीकेंड का था, ये इस वीकेंड के भी व्लॉग शूट किए थे तो सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करें। इस वीकेंड का जो प्लान था हमारा वो डिस्टर्ब हो चुका था क्योंकि क्रिकेट बीच में इनकी आ गई थी फिर से, तो इस वजह से जो भी हम लोगों ने सोचा था आउटिंग के लिए जाने का वो नहीं हो सका और उसी पर ही हमारी बहस चल रही थी। बहुत ज़्यादा लाइट गई रहती है यहाँ पर, पाकिस्तान वाली फीलिंग लेने ऐसे। मैंने बताना है अपना दुख, मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैंने अपना नहीं चाहिए दुख अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करना है। उन्होंने 10 मिनट रहना क्या कि आपको पता है। अच्छा ठीक है, आप मैंने अभी लास्ट व्लॉग में एक अपना दुख शेयर किया है कि हमारा वीकेंड होता है एक दिन होता है वीकेंड का, अच्छा एक दिन होता है हमारा वीकेंड का, उसमें भी हमने अपने सारे काम भी करने होते हैं, हमने घूमना फिरना भी होता है और उसमें ही इनकी क्रिकेट भी होती है। कल तो मेरे दो मैच है, कंपनी का भी और लीग का भी, और वो भी दो लीग का नहीं है, ऑफिस के हैं, रात को है 7 से 10, 1 घंटा बेचारा मुझे रेस्ट मिलना है। बेचारे आप के बेचारी मैं है? दिन तो रेस्ट ही रेस्ट है। आप बताएं क्या घर बैठ के लॉग रेडी करो। तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। ने क्रिकेट के लिए चले जाने कंपनी की क्रिकेट, अच्छा वैसे क्रिकेट कम थी, दोस्तों के साथ क्रिकेट कम थी तो अब कंपनी ने भी मैचेस रख लिए। मुझे सोने पे सुहागा, 6 साल बाद कंपनी ने मैचेस रखे हैं, ठीक है। और ये इनके साथ मैं कब शुरू की है, साल एक डेढ़ साल हुआ है इनके साथ शुरू की है। A few moments later. One hour later. बस यही दुख मैंने आप लोगों को बताने थे। आपने अपने सुना दी, मेरे ना सुनाई। हाँ बस इसी नोक झोंक में हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर, और यहाँ एक काम के लिए आए थे, ज़रूरी काम था तो वो करके फिर हम लोगों का प्लान था कुछ खाने का, और खाने का डिसाइड नहीं हो पा रहा था। पहले हम लोगों ने सोचा कि पिज़्ज़ा हट चलते हैं, वहाँ से कुछ खाएंगे, तो लेकिन फिर वो भी प्लान कैंसिल कर दिया। कितना रश है। हाँ तू मुड़ के पहले देख ले पीछे, तू तेरे से कोई मिस ना हो जाए औरत देखनी। कौन है वो कुर्सी पे जो बैठा है? औरत? हाँ देखना होता ना वो औरत फाड़। औरत पक्का? चल सही है, मर्जी तेरी। हाँ सही है, इससे लेने चपली कबाब और किसी को लेने ने होना। अच्छा ठीक है ले ले, मुझे क्या पता इसके कैसे होते हैं। मेनू भी नहीं पता, मैं कहे कोई बचपन तो खांदा आ रहे हैं। तेरी जम इना घर हुई है, तेरा बचपन का। एक मिनट, गली मालिक की दुकानें भी यहाँ पर आ गई है, मैं ढूंढ के देती हूँ आपको। हाँ जी, तो हम लोगों का डिसाइड हुआ था कि हमने चपली कबाब खाने हैं, और वही हम लोग फिर ढूंढते फिर रहे थे कि कहाँ पर हमें अच्छा होटल मिलेगा और जहाँ से चपली कबाब खाएं। फिर मैंने थोड़ी सी सर्च की कि कहाँ से अच्छे मिल सकते हैं, तो कुछ शॉप्स होती थी बनी मालक में पहले जो कि अब डिमोलिश हो चुकी हैं, तो वो अब जिस जगह पर गई हैं, तो हमने वहाँ का डिसाइड किया और वहाँ पर पहुँचे, जो कि है आई थिंक रिहाब में है शॉप एक जो शिफ्ट हुई है बनी मालक से। देख उसको जद्दा में घर नहीं मिल रहा था, बड़ा बड़ा महंगा मिल रहा था। हाँ। पहले उसने 800 रियाल में मदाइन अल्फाज में घर रखा हुआ था। हाँ। तो उसको नहीं मिला ना। हाँ। उसने क्या किया अब खत्म। हाँ। रियाज के अंदर शेयरिंग के अंदर उसको मिला, उसने अपने बीवी बच्चों को उधर भेज दिया। हाँ। और खुद जो है ना वो यहाँ पे रह रहे हैं।
जी तो हस्बैंड ये अपने कुलीग की स्टोरी सुना रहे थे, जद्दा में जब से ये एरियाज़ डिमोलिश करने शुरू किए हैं इन्होंने, तो तब से यहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और मिनिमम सैलरी वाले जो है उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पर। अच्छा, मैंने जो सर्च किया था तो मुझे मतम खैबर के रिव्यूज़ अच्छे मिले कि इनके चपली कबाब जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो इसीलिए फिर हम लोग यहाँ पर आ गए कि चलो देखते हैं कि कैसे होंगे। ये भी बनी मालक से यहाँ रिहाब में शिफ्ट हुए हैं, तो लेकिन जो है ना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया वो आगे देखें आप वीडियो में, फिर भी हम अपनी ऑन करेंगे। मेरे ख्याल से रहने ही दें। चटनी दे। आप खाए वो वाली चटनी अपने इन कबाबों के साथ। आप चावल खाए थे ना घर से? अब तो? ये जो है ना सारे मैं खाऊंगी। मैं तो अपना खाना अपने साथ लेके चलती हूँ, साथ में रायता और सलाद। सही है। यम्मी यम्मी मेरे राइस। हाँ जी, कैसा लगा आपको? अच्छा था। चावल ना, चावल बहुत मज़े थे। जो आप लेकर आए थे कबाब, बताया आपने था कि फलानी जगह से लेके आए। तो मुझे क्या पता था, मुझे तो मैंने तो रिव्यूज देखे ऐसे जैसे बड़ा अच्छा होगा। लिखो उन व्यूज के ऊपर घटिया तरीन तेल। जी तो बस यही रिव्यूज़ थे हमारे, और हमें नहीं पसंद आए ये वाले चपली कबाब। शदीद काले तेल में फ्राई हुए हुए थे और स्पाइसेस भी जो हैं वो भी बस ना होने के बराबर थे, तो इस वजह से जो है ना टेस्ट तो बस सो ही था। और लेकिन जितना काला तेल था उसकी वजह से दिल ही ख़राब हुआ बस। हो सकता है जिन्होंने रिव्यूज़ अच्छे दिए हों उनको अच्छा लगा हो, कुछ लोगों को पसंद आए होंगे जिन्होंने रिव्यूज़ दिए, लेकिन हमें नहीं आए पसंद। जी तो जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ थे वो मैंने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, तो आई होप कोई इस चीज़ को लेके ऑफेंड नहीं होगा कि आप बुराई क्यों कर रही हैं उनकी और इस तरह से। तो जो सही था, जो चीज़ हमें लगी वो मैंने बता दी है। बाकी किसी को भी ट्राई करना हो तो वो कर सकते हैं, लाजमी जाके करें ट्राई आप लोग। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो जद्दा में रहने वाले हैं वो मुझे रेस्टोरेंट सजेस्ट करें, रेस्टोरेंट या कोई भी ऐसी जगह जहाँ का रिव्यू उन्हें चाहिए हो तो वो मुझे लाजमी सजेस्ट करें मेरे इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ का ऑनेस्ट रिव्यू आपको देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।